ओपन कर लो, इनवाइटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, लोगों को लाना, लोगों को लाना इस बिजनेस में इतना इम्पोर्टेंट है जितना आपका सांस लेना इम्पोर्टेंट है जीना जीने के लिए। जिस तरह एक इंसान को जिंदा रहने के लिए सांसों का आना जाना जरूरी है, इसी तरह इस बिजनेस में आपको टिकने के लिए या आपकी ग्रोथ के लिए इस बिजनेस में लोगों का आना जाना जरूरी है। क्लियर है? Yes. लोग आते रहेंगे, बिजनेस बढ़ता रहेगा। लोग आते रहेंगे, कहाँ लाना है? इस वाली मीटिंग में। कहाँ लाना है? मीटिंग में। यहाँ पर डीएम सजेस्टर सर, काशी सर और जितने भी यहाँ पर लीडर है, आप लोगों के लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है। कसम से एक चीज ध्यान में आ रही है कि पूरी दिल्ली की सारी डीएलजीपी बंद है, डीएम सजेस्टर सर और कार्तिक सर की मोहब्बत के कारण सिर्फ अगर कोई डीएलजीपी खुली है उसका नाम है। Yes. Wow. अगर ये लोग आपका इतना सपोर्ट कर सकते हैं, इलेक्शन वाले दिन अगर ये डीएलजीपी खुल सकती है, तो दोस्तों आपको अपना खाली हाथ इलाके में आना है, क्योंकि आपकी बार बार शक्ल नहीं होने से दिखाने से आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा जब तक हर मीटिंग में आपके नए लोग यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर है? Yes. कई लोगों को मैं देखता हूँ 3 महीने से अकेले आ रहे हैं, कोई जुड़ी नहीं रहा, कोई जुड़ी नहीं रहा, कोई जुड़ी नहीं रहा, है ना? मगर यहाँ पर लोगों को लाना बहुत जरूरी है। दूसरा कारण है लोगों को सिखाना। पहला कारण है लोगों को लाना, दूसरा कारण है लोगों को सिखाना। जो आ चुके हैं उनको सिखाना, टीच करना। अब कई लोगों का ये दिक्कत है कि लाए जा रहे नए वालों को लाए जा रहे, पीछे वाले छूटते जा रहे। इसको कहते हैं पैदा तो हमने बहुत कर लिया, परवरिश करने की तमीज नहीं है ना। पैदा कर लिए, बनाने निकले थे, ओबामा बन गया ओसामा, परवरिश ही नहीं कर पाए। बनाने के लिए तो आए थे ओबामा, अमेरिका का प्रेसिडेंट बने, बन गया ओसामा, अमेरिका में विस्फोट कर दिया उसने, कहते थे आग लगा दूंगा आग लगा दूंगा। बाद में पता चला एजुकेशन नहीं थी तो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क रहे थे, पता चला अपनी चुकी में आ गया थी, है ना? Yes. तो माइंड क्लियर आपको तभी हो पाएगा जिन लोगों को आप लाए हैं, अगर आपने उनको सिखाया नहीं तो आपकी टेंशन जितनी थोड़ी थी एक इंसान के आने पे 10 इंसान आएंगे, 10 गुना टेंशन बढ़ जाएगी, 100 लोग आएंगे 100 गुना बढ़ जाएगी। और आपको बता के खुशी हो रही है मिस्टर सिद्धार्थ सर के नीचे 50 लाख लोगों की टीम, कितनी? 50 लाख लोग सिद्धार्थ सर की टीम में काम करते हैं। अब आप सोचो अगर उन्होंने सिखाया नहीं होगा, अगर सिखाया नहीं था तो क्या आज वो चैन की सुकून की सांस ले पाते? नो, नहीं ले पाते। मगर यहाँ पर हमारी 10 लोगों में हवा टाइट हो जाती है, सर क्या क्या करूँ, यहाँ मीटिंग देने जाऊँ, वहाँ देने जाऊँ, मैं तो मुझे तो लग रहा है घर। कितने लोग हैं नवा टाइट हो रही है? 10 लोगों तब क्या होगा जब 10 लोग 10 को लाएंगे और 100 लाएंगे, फिर 100 लोग 10 को लाएंगे 1000 हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर काम इजी करना है तो आपको सिखाना पड़ेगा, लोगों को लाना पहली चीज, लोगों को सिखाना दूसरी चीज, जिनको लाए हो उनको पलटे बोले सिखाते जाओ। सिखाने का मौका कब मिलेगा? सिखा आप 4 तरीके से सकते हैं। पहला यूट्यूब से, यूट्यूब बहुत बड़ा रोल है, हमारे जैसे लीडर, आप जैसे लीडर, 36,000 लीडर, हमसे भी बढ़िया लीडर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, दिक्कत ये हमने कनेक्ट ही नहीं करवाया। दूसरी चीज है ऑनलाइन से, आपकी टीम में हर कम से कम 5 एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का नंबर होना चाहिए। कई लोगों का तो यही टेंशन है सर फोन ही नहीं उठा रहा अपलाइन, अरे फोन ही उठा रहा उसके ऊपर वाले पे चले जाओ, वो भी नहीं उठा रहा उसके ऊपर वाले पे चले जाओ। अगर आपको सीखने की इच्छा है ना तो मिस्टर सिद्धार्थ सर भी सिखाने के लिए रेडी है, मगर आपको सीखने की इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी। क्लियर है? Yes. तो पहली चीज यूट्यूब से सीखो, दूसरी चीज अपलाइन से सीखो, तीसरी चीज नेटवर्क मार्केटिंग की बुक से सीखो। यहाँ जितने भी लोग हैं कम से कम 2% भी बुक नहीं पढ़ते होंगे, 2% भी बुक नहीं पढ़ते होंगे,
अगर जब से जब तक नेटवर्क मार्केटिंग की बुक पढ़ना चालू नहीं करोगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा। चौथी चीज मीटिंग्स, मीटिंग्स में लाना बहुत जरूरी है लोगों को। जितने ज्यादा लोग मीटिंग्स में आपके आएंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो सीखने और सिखाने के चार तरीके, लोगों को लाना, लोगों को सिखाना और तीसरा है लोगों को बढ़ाना। लोगों को बढ़ाना मतलब लोगों का लेवल बढ़ाना। लोग हमारी दिक्कत ये रहती है सर बहुत लोग आए क्या करूं, बिलिंग नहीं करवा रहा, बिलिंग करवा ली लोगों को नहीं आ रहा, भाई क्यों लाएगा, 3 महीने हो गए 5% का पढ़ा हुआ है, 4 महीने हो गए 5% का पढ़ा हुआ है, 1 साल हो गया 11% का पढ़ा हुआ है। जो उसके सपने थोड़े बहुत जिंदा भी हुए थे ना प्लान देखने के बाद आपकी सर्विस से थोड़ी ना है ना। यस 5% का बंदा 5% रिश्तेदारों में रहेंगे तब भी पैसा आएगा। एक दिन अगर ऊपर वाले ने अपने पास भी बुला लेना